हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, आज मैं जो कि है 1 केजी पाइनएप्पल केक, जो वो भी चॉकलेट गार्निशिंग डिज़ाइन में बनाऊंगा, जो कि ऑर्डर था। तो देखिए, मैं उसको पहले से थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके ले लिया हूँ, लेके जो कि एक शीट में डाल के उसको उसमें ब्लू कलर डाला हूँ, जो कि आप लोग देख ही रहा है। ब्लू कलर थोड़ा सा लाइट से ऐड किया हूँ। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, चॉकलेट में कलर डालने से ज़्यादा ओवर कलर डालिएगा नहीं, क्योंकि ओवर कलर डालने से जो कि चॉकलेट है थोड़ा मतलब ज़्यादा ये हो जाएगा, गत्ती हो जाएगा, तुरंत गत्ती हो जाएगा और आप लोगों को काटने में जल जाएगा। तो देखिए कैसे मैं थोड़ा सा लाइट से मिक्स किया हूँ, और कैसे मिक्स किया हूँ याद रखिएगा, वैसे ही आप लोग भी कीजिएगा। तो दोस्तों, उसके बाद जो कि है मैं उसको स्क्वायर में थोड़ा लंबा लंबा रेक्टेंगल साइज में काट करके उसमें जो कि है एक नॉर्मल सा नोजल लेके उसको होल कर दिया हूँ बीच में, जो कि है थोड़ा सा राउंड। आप हमेशा याद रखेगा आप लोग कि जब भी आप ये कीजिएगा, चॉकलेट में राउंड कीजिएगा ऐसा नोजल से या ड्राई से, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा थोड़ा सा अच्छे से प्रेसिंग करके कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, ठंडा होने के बाद जो कि है सेट हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो गाइस, मैं पहले से 1 केजी जो कि ऑर्डर था मेरा, तो मैं अच्छे से लेयरिंग कर लिया हूँ, जो कि स्क्रैच वगैरह देके सभी देके मैं अच्छे से लेयरिंग कर लिया हूँ। और ये ज़्यादा डिजाइन नहीं, आप लोग फोटो में देखा ही है, जो मैं कैसे इसको बनाया हूँ आप लोग देखिए। मैं नॉर्मल तरीक़े से जो कि है उसको सारे तरफ मैं अच्छे से क्रीम लगा लिया हूँ, जो कि है फ्रेश क्रीम का केक था ये, तो फ्रेश क्रीम में अच्छे से जो कि है लगा लिया, लगा के जो कि है अच्छे से राउंड शेप में मैं इसको फिनिशिंग दूंगा। और हाँ, आप लोग हमेशा देखिए मैं फिनिशिंग क्यों दिखाता हूँ, कोई कोई बहुत सारा बिगनर्स लोग को जो कि है फिनिशिंग मालूम नहीं, और जो जो सीख रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल होगा, इसका वजह से जो कि है मैं उसको फिनिशिंग करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए गाइस, अच्छा तरीके से थोड़ा सा आप लोग बिगनर से तो अच्छे से थोड़ा गर्म पानी ले लीजिएगा, ताकि आपका फिनिशिंग करने में अच्छा रहे। तो देखिए मैं कैसे फिनिशिंग कर रहा हूँ, जो कि है राउंड शेप में ये केक बनाऊंगा। तो देखिए, कार्ड से जो कि एक्स्ट्रा क्रीम था उसको मैं अच्छा तरीके से जो कि है निकाल रहा हूँ, तो निकाल के मैं उसको अच्छा से प्रीपर तरीके से फिनिशिंग दे रहा हूँ। और फिनिशिंग होने के बाद जो कि है नॉर्मल पाइनएप्पल जोल जेल न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा क्रश और थोड़ा सा पाइनएप्पल ये मिक्स कर लिया हूँ। क्रश मतलब उसको मिक्सी में डाल के मैं पूरा पीच के लिया हूँ, ताकि मतलब दाना दाना ना आए, तो टेस्ट भी उससे अच्छा आएगा, और जेल तो स्वीट रहता ही है। तो उसके वजह से देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, शाइनिंग भी बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैं नॉर्थ साइड में ज़्यादा ये नहीं करूँगा, जो कि साइड में थोड़ा सा जेल था उसको भी मैं ऐसे लगा दिया हूँ साइड में। उसके बाद देखिए बेस में मैं कैसे अप्लाई किया हूँ, और हमेशा याद रखिएगा बेस में उठाने का टाइम बहुत बिगनर्स लोग डैमेज कर देता है केक को, तो आप लोग आसान तरीके से जैसे कि मैं दिखाया हूँ, मेरा बहुत सारा वीडियो मैं बना के रखा हूँ चैनल में, आप जाके देख सकते हैं, जो कि मैं केक फिनिशिंग कैसे करता है उसको भी मैं वीडियो अलग से बना के डाला हुआ है। तो गाइस, जो जो बिगिनर्स है आप लोग देख के, जो कि वीडियो देख के आराम से सीख सकता है। तो गाइस, जैसे कि देखा मैं चॉकलेट को अच्छे से रख दिया था, तो देखिए एक भी मेरा चॉकलेट जो कि है डैमेज नहीं हुआ है, और देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है, क्योंकि मैं लाइट कलर डाला हूँ, और चॉकलेट में लाइट कलर डालने से ही थोड़ा कूलिंग होने के बाद जो कि है डार्क दिखने लगता है, क्योंकि शाइनिंग जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो गाइस, ये वाला केक जो कि है कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए उसके बाद जो कि है मैसेज लिखा हूँ मैं, मैसेज जो कि मेरा मेरे को जो मैसेज दिया था मैं उसको अच्छे से लिखना, आप लोग भी हमेशा याद रखिएगा। मैं हर बार बोलता हूँ आप लोग को, अगर ज़्यादा डिजाइन नहीं करना है, केक को नॉर्मल से ही रखना है, तो आपको एक चीज़ करना जो कि है मैसेज अच्छे से लिखना, ये बहुत ही सिंपल सा बात है। आप मैसेज अच्छे से लिखेगा तो आपका केक जो कि है बहुत ही अच्छा दिखेगा, जैसे कि मैं लिखा हूँ, देखिए कितना अच्छा दिख रहा था केक। तो गाइस, उसके बाद चॉकलेट लगा दिया हूँ, कल वाला वीडियो में मैं दिखाया हूँ ये वाला चॉकलेट कैसे बना। तो गाइस, इतना ही था वीडियो। मेरा चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल में जो नया है, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, आज के लिए चलता हूँ, फिर एक नया वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।